लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। आपके माता और भाई बाहर खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ो, मुझे छोड़ो। शांत हो जाओ। नहीं तो तुम्हें बेड़ियों से जकड़ दिया जाएगा। हमें मजबूरी बस तुम्हें जंजीरों से बांधना पड़ेगा, नहीं तो तुम एक दूसरे को मार डालो। मुझे छोड़ो। एक जोड़ी बेड़िया लाओ। आओ हम समुद्र की दूसरी ओर जाएं। गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। लोमड़ियों की अपनी मादे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं है। मेरे पीछे चले आओ। प्रभु, पहले मुझे अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। मेरे पीछे चले आओ। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, इसका क्या मतलब है? मुझे भी उनकी बहुत सारी शिक्षा समझ में नहीं आती, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि बाद में मैं उस महान और शाश्वत ज्ञान को समझ पाऊंगा। उनका मतलब शायद ये था जैसा स्तोत्र में लिखा हुआ है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अच्छा, इसका मतलब है जो ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं वे जीवित हैं। बिल्कुल, अन्य लोग आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। अच्छा अच्छा, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जो यीशु में विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, इसलिए वे अनंत काल तक जीवित हैं। वही सही मायने में प्रत्येक मनुष्य की बुलाहट है। धीरे धीरे सब लोग इसे प्राप्त करेंगे। आप कृपया यहाँ आराम कीजिए,
आप थक गए हैं। अरे गुरुवर तो पहले ही सो गए। जैसे ही गुरुवर सोते हैं मौसम बदलने लगता है। हमेशा ऐसा ही होता है, जब सब कुछ ठीक और शांत होता है तब अचानक तूफान आता है। ए प्रभु। हाँ, परेशानियां और मुसीबतें ऐन वक्त पर ही आती है। क्या भयानक परिस्थिति है। एक तरफ तूफान और दूसरी तरफ इतनी ऊंची लहरें और फिर ये भारी बारिश। केवल केवल ईश्वर ही हमें बचा सकता है। मुझे लगता है हम सभी इस समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। बारिश, ऐसे में गुरुवर इस तरह कैसे सो सकते हैं। देखो तो इस तूफान में भी वे कितनी शांति से गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या हमें उन्हें जगाना चाहिए। और क्या, हमें इस भयानक संकट से और कौन बचा सकता है। प्रभु प्रभु, हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे हैं। तुम लोगों का विश्वास कहाँ है। अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो। शांत हो जाओ।
आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं? मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु, ऐसी तूफानी और अशांत परिस्थिति में आप कैसे सो सकते हैं? क्योंकि उसका निर्माण चट्टान पर किया गया है। प्रभु मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। क्या तुमने सुना नहीं? प्रभु कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इसराइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। ऐसे हिंसक और उग्र कैसे हो सकते हैं? सारी हिंसा बुराई से आती है। इसे कैसे रोका जा सकता है? केवल ईश्वर ही हमें बुराइयों से बचा सकता है। क्या आपने स्तोत्र नहीं पढ़ा? हे प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। हाँ, तुम सही कहते हो। प्रभु मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? अगर वे हम पर हमला करेंगे तो? नहीं, केवल ईश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो इस संसार में है। प्रेत आत्मा और ईश्वरीय आत्मा में क्या अंतर है? अरे, प्रेत आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। दुष्ट आत्माएं भी ईश्वर की ही सृष्टि है, लेकिन ईश्वर सृष्टि करता है, इसलिए ईश्वर की शक्ति अपार है। अच्छा, तो दुष्ट आत्माएं हमेशा ईश्वर की शक्ति के अधीन होंगी। इस दुष्ट आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? वे स्वर्गदूत थे, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब से वे दुष्ट आत्माएं बन गई। Thank you.
सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु वे इतने हिंसक और डरावने थे कि कोई उस रास्ते से निकल नहीं पाता था। उसको अक्सर साकल और जंजीरों में बांध कर रखा गया, किंतु उसने उन सब को तोड़ डाला और टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई इतना ताकतवर नहीं कि उसको काबू में कर सके। वह दिन और रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। मुझे छोड़ दे। शांत हो जाओ। डरो मत, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। भला गड़ेरिया मैं हूं। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। ऐसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे न सताओ। अशुद्ध आत्मा, इस आदमी से बाहर आ जाओ। यीशु, सर्वशक्तिमान के पुत्र, मुझे आंखों क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे न सताओ। तुम्हारा नाम क्या है? सेना नाम है मेरा, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। हमें अथागत में ना भेजें। कृपया हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। हमें उनमें घुस जाने दे। ऐसा ही हो, चले जाओ। महत्वपूर्ण क्या है? 2000 सुअर, या ये तो मनुष्य की आत्माएं? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि
कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और धरती के सृजनहार, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। प्रभु, आपको महिमा और वैभव से आच्छादित करे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और मेरा पिता एक है। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। अपने लोगों के पास, अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है।